Good morning, everyone. Could we have me on camera one, please? Great, thank you. Good morning, everyone. हम लोग आज जैसे हम सब बात कर रहे थे अबाउट न्यूट्रिशियस कुकिंग सर्टन थिंग्स लाइक एयर फ्रायर एंड ओवन्स दैट हैव कम, इतनी सारी ये सब ओवन्स वगैरह जो आ गए हैं और फास्टर कुकिंग हो रहा है बट न्यूट्रिशियस नहीं. तो अभी जैसे बताया इसके बारे में कि एम्बे क्वीन जो है उसके अंदर न्यूट्रिशियस कुकिंग होता है, जीरो ऑयल कुकिंग होता है. ये सुनने में तो बहुत सारे लोगों ने सुना है बट इट इज बेस्ट कि हम इसको आपको दिखाएं. तो अभी मैं एक रेसिपी बना रहा हूँ जिसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किया है. इट्स लाइक नवरत्न कोरमा जैसे है मगर उसको चेंज किया उसको और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए. तो अभी मैं आपको वो रेसिपी दिखाऊंगा. लेट्स गो टू कैमरा टू प्लीज. तो वी विल स्टार्ट. तो एम्बे क्वीन के लिए बहुत ज्यादा फ्लेम की जरूरत नहीं है, ये फुल फ्लेम है और इसको अभी मैं मीडियम कर देता हूँ. एम्बे क्वीन कुकवेयर के अंदर मीडियम फ्लेम जो है दैट इज इनफ. तो इसी से वो बर्तन इतना गर्म हो जाएगा तो आपका गैस भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता है या वट एवर आप यूज कर रहे हो वो भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता है. और ये काफी मीडियम जो है वही काफी होता है जो हीट है. और अभी तेल नॉर्मली हम लोग डालते हैं सबसे पहले, उसकी जगह मैंने दो बड़े चम्मच पानी डाल दिया है. और अनियन, एक हरी मिर्च, गोभी. अब ये एक डिश है जो अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर, एक अजीब सा चेंज आ जाता है इसके अंदर. तो आप ध्यान से देखें, इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा काजू, अदरक और लहसुन. और इसको मैं सिर्फ इतने से पानी में स्टीम करूंगा. और ये एक हरी मिर्च है इसके अंदर, तो ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर और कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो पानी हीट होना शुरू हो गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं. सो इवन हीटिंग की बात हो रही थी, इवन हीटिंग अगर आप ये साइड में देखेंगे यहाँ पर जो है वो डॉट्स आ गए हैं, इस साइड में आ गए हैं, इस साइड में आ गए हैं. तो हर जगह पे इफ यू विल सी जो है हीटिंग जो है वो हो रही है. ये एक 5-ply का बर्तन है, इसके अंदर 5 अलग अलग प्लाईज है. इसको मैं सिर्फ बंद कर देता हूँ और इसको पकने देते हैं थोड़े देर के लिए. तो इसके अंदर जो साइड्स है वो भी 5-ply के हैं, जो जो उसका तला है जो नीचे बॉटम है उसका वो भी 5-ply का है. तो कुकिंग जो है दोनों तरफ से होती है, यहां से भी होगी और नीचे से भी होगी. और जो इसका लिड है, लिड जो है उसके ऊपर ये लिप बना हुआ है. तो इससे क्या होता है कि जो भाप अंदर बनती है, स्टीम जो अंदर बनती है वो बाहर नहीं आ पाती है और बहुत मिनिमम स्टीम बाहर आती है. तो जितना इसका न्यूट्रिशन है क्योंकि पानी कम है इसके अंदर तो सारा न्यूट्रिशन इसके अंदर लॉक हो जाता है. एंड वंस द न्यूट्रिशन इज लॉक्ड इनसाइड, अंदर एक बार ये न्यूट्रिशन जब लॉक हो गया तो स्टीम से बहुत कम स्टीम बाहर निकलती है तो न्यूट्रिशन बाहर नहीं निकलता है. इवन कुकिंग होती है, खाना जो है आपका एक समान पकता है. जो लिड है, लिड का फायदा यह होता है हमको कि जब स्टीम निकल नहीं रही है और अंदर ही उसको होल्ड कर रही है तो सारा न्यूट्रिशन ऊपर जाता है स्टीम के साथ में और फिर वापस उसके अंदर आ जाता है. तो ये आप देखो कि ये स्टीम के ऊपर ही इसका एक लॉक बन रहा है. सो दिस इज कॉल्ड वाइटर लॉक. अगर आप साइड से एक रिंग बन जाती है जो पानी की एक रिंग है, मॉइस्चर की रिंग है और वो मॉइस्चर बाहर जो उसको स्टीम को आने नहीं देता है. तो अगर आप देखेंगे ये इसके अंदर इसको लॉक कर रहा है और स्टीम को बाहर नहीं आने दे रहे या मिनिमम स्टीम जो है, कम से कम स्टीम जो है वो बाहर आ रही है. तो अभी मैं थोड़ा सा मैजिक करूंगा इसको. ये इसको पकाना है तकरीबन 7-8 मिनट की अच्छे से पक जाए. और एक बार ये अच्छे से पक गया उसके बाद में आपको इसको मिक्सर में पीस करके एकदम उसका एक पल्प बना करके लाना है, एक पेस्ट बनाना है. तो आई जस्ट शो यू.
ये इस तरीके से उसको पकाना है और उसके अंदर जो मॉइस्चर है इसी के मॉइस्चर में पक जाएगी है, और उसके बाद में हमको ये एक ब्लेंडर में डाल करके ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में ब्लेंडर में डाल करके इसको 5-7 मिनट और पकाएंगे। तो नाउ मैजिक से समझ लीजिए ये आ गया और ये ब्लेंडर के साथ ब्लेंड होकर के ये भी आ गया। सो वी विल स्टार्ट विद वाटर अगेन, थोड़ा सा पानी, थोड़ा और। अगर इसको आप कलर चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि इसका थोड़ा सा कलर अलग सा है, तो इसमें इस बार पानी की जगह आप बीट रूट का जूस भी डाल सकते हो या इसके अंदर छोटे कटे हुए बीट रूट भी डाल सकते हो। तो अगर आपको बीट रूट खाना है, तो अगर आपको खाना नहीं है, आपको चाहिए कि जो ग्रेवी है उसका फ्लेवर आए बीट रूट का उसके अंदर और साथ में कलर भी आए, तो यहाँ पे बीट रूट का जूस डाल दीजिए। अगर आप बीट रूट खाना चाहते हैं तो सिर्फ बीट रूट के क्यूब्स डाल दीजिए, दैट इज अगर आपको इसका कलर पिंक चाहिए तो। अब ये इवन हीटिंग आपको दिख रही है हर जगह, इसका आप देख रहे हो ये बबल्स आना शुरू हो गया, इसका मतलब ये है कि हीट इवनली कर रहा है। ये वो पेस्ट है जो हमने उबाला था, तो सब कुछ इसमें डाल दिया। तो इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज और थोड़ी सी गोभी, तो ये एक ग्रेवी बन गई। इट इज एब्सोल्युटली वाइट, और इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम थोड़ा कम करेंगे, कम फ्लेम के ऊपर इसको सिर्फ मिक्स कर रहा हूँ। ये ग्रेवी ज्यादा तो पकी गई है, बिकॉज हमने उसको अच्छे से स्टीम कर लिया था। स्टीम करने के बाद में फिर उसको हमने ब्लेंड किया, और इसको मैंने कोई सीव के थ्रू पास नहीं किया, मतलब इसको छाना नहीं है मैंने, ये सिर्फ ब्लेंडिंग से ही उसको इतना अच्छे से इतना स्टीम कर लिया था कि आराम से ये ब्लेंड होकर के यहां तक पहुंच गया। नाउ कुछ चीजें ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा सॉल्ट, धनिया पाउडर, हल्का सा जीरा पाउडर। इसके अंदर मैं हल्दी नहीं डाल रहा हूँ, हल्दी डालूंगा तो कलर चेंज हो जाएगा, और मेरे को इसका कलर कोशिश करके लाइट ब्राउन तक ही रखना है। सो आई एम ट्राइंग कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और ये जितना हो सके व्हाइट व्हाइट ही लगे ग्रेवी। हरी मिर्च इसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, इसके अंदर चाहिए तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं, और थोड़े देर के बाद में इसके अंदर हम लोग गरम मसाला डाल देंगे, तो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा सारे मसालों का। गरम मसाला बाद में डालेंगे। इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा सब्जियां जो है, अभी इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपके घर में लोगों को पसंद आता है। सो वेज नॉन वेज हर चीज बन जाती है इसके अंदर। दिस इज टू मेक योर फूड मोर वेजिटेरियन, इसको और ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड करने के लिए। तो गोभी का हमने जो है मिक्सचर बना लिया। लाल बेल पेपर्स, पीला वाला बेल पेपर्स, इसमें हरा भी डाल सकते हैं। और इसको अभी हम फर्दर छोड़ देंगे पकने के लिए। और मैं इतने देर से पका रहा हूं इसके अंदर ये लग भी नहीं रहा है। सो अगर आप देखेंगे कि जो बर्तन है वो ऐसा नहीं है कि तेल नहीं डाला तो चिपक गया। अगर आप फुल गैस करके छोड़ दोगे उसको तो बात अलग है, बट अगर आप इसको चला भी रहे हो या नहीं भी चला रहे हो, थोड़े देर छोड़ भी दिया है आपने, तो
चिपकता नहीं है अनलेस इसको आप छोड़ दो और भूल जाओ। काफी हद तक नॉनस्टिक जैसा काम करता है। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। इसके बीच में अगर कोई सवाल हो तो इफ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन आई विल बी एबल टू आंसर। अभी ही आप सवाल पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई सवाल हो रेसिपी को लेकर के। संजय जी प्लीज रिपीट द इंग्रेडिएंट्स। ओके तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक मैं इसको ढक लेता हूं पहले। सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा पानी। उसके बाद में मैंने डाला इसके अंदर थोड़ी सी गोभी विच वॉज तकरीबन 100-125 ग्राम गोभी डाली। एक फुल प्याज डाला छोटा वाला जो चार हिस्से में काट करके। काजू और साथ में एक हरी मिर्च। अब हरी मिर्च जो है अगर कोई नहीं खाता है तो यू कैन लेट इट बी, इसको छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके उसको पूरी तरह पका लेना है कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और उसका न्यूट्रिशन जो है वो भी सब इसी के अंदर लॉक हो जाएगा क्योंकि वाइटर लॉक के वजह से ये बाहर नहीं निकलेगा। न्यूट्रिशन जो है वो अंदर ही लॉक हो जाता है। गॉट इट सर, थैंक यू। ये करने के बाद में एक उसको पीस करके उसका जो पेस्ट बनाया है पेस्ट डाल करके थोड़ी देर उसको पकाया। उसमें मसाले डाल दीजिए। मैंने धनिया पाउडर जीरा पाउडर डाला है। उसके बाद में सारी कटी हुई वेजिटेबल्स डालिए। वेजिटेबल्स आपके चॉइस की, आपको जो मर्जी आपको डालना है आप डाल दीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा गरम मसाला डाल करके मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। सो अभी 2-3 मिनट इसको पकाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सवाल है जब तक ये पक रहा है तब तक मैं आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। संजय जी इफ यू कैन टेल अ लिटिल बिट अबाउट हाउ यू मेड दिस जीरो ऑयल एंड हाउ दिस जीरो ऑयल कुकिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग अस लीव अ बेटर लाइफ और मे बी लेस ऑयल व्हेरेवर रिक्वायर्ड। तो एमवे क्वीन के अंदर जो खाना बनता है वो इतना इस तरीके से बन जाता है कि आप जीरो ऑयल में भी बना सकते हो, बिगर तेल के भी बना सकते हो, कम तेल में भी बना सकते हो और अगर आपको चाहिए उसी चीज को डीप फ्राई करना है वो भी कर सकते हो। जीरो ऑयल हेल्प कैसे करता है? बेसिकली जो अंडरस्टैंडिंग है कि ऑयल से बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती है एंड उसको हमको ये नहीं है कि आपको तेल नहीं खाना है मगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है उनके लिए तो बिल्कुल तेल इज अ नो, मतलब खाना ही नहीं उनको। कुछ है जिनको कम खाएंगे तो बेहतर होगा। तो इसके अंदर आप जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हो उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल तेल नहीं खाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से मुझे बोला है कि आप बिल्कुल तेल नहीं खा सकते। तो मेरे को जो भी मेरा खाना बनता है वो इसके अंदर बनता है, जीरो ऑयल में बन जाता है। इट इज सो मच इजियर फॉर मी कि मैं जीरो ऑयल कुकिंग कर सकता हूँ। जीरो ऑयल कुकिंग या लेस ऑयल कुकिंग ये मैं कैसे कर सकता हूँ इसके अंदर? क्योंकि इसका जो तला बना हुआ है, जो इसका बॉटम है वो बना हुआ है, इसके अंदर 5 प्लाई है ये पर्टिकुलर बर्तन में और जो बाकी के इसके बर्तन है उसमें 3 प्लाई है। क्योंकि वो इस तरीके से बना हुआ है कि सारा इवन हीटिंग जो है वो देता है। स्टील ओरिजिनली एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। स्टील जो है वो उसमें हीट अच्छे से नहीं पकड़ता है, पैचेस में पकड़ता है, कहीं ठंडा कहीं गर्म ऐसे। मगर इसको बनाया इस तरीके से, उसके अंदर प्लाईज ऐसे डाले गए हैं कि उसके अंदर जब खाना पकता है तो पूरा इवन हीटिंग होता है। इसकी जो साइड्स है, जो इसकी दीवार है, उसमें भी सेम प्लाई है तो जितना इधर है उतना इधर है। उसके वजह से हीटिंग चारों तरफ से होती है, नीचे से भी हो गई, साइड से भी हो गई। ढक्कन लगाने से हीट एस्केप, मिनिमम एस्केप होती है, कम से कम एस्केप होती है और जो न्यूट्रिशन अंदर है वो भी स्टीम से बाहर नहीं निकलता क्योंकि कम से कम जो स्टीम है वो बाहर जाती है तो ऊपर जाकर के स्टीम वापस नीचे आ जाती है तो ऊपर से भी एक बेसिक हीट जो है वो मिलते रहता है। तो इसका कुकिंग का जो प्रोसेस है वो फास्टर भी है, जीरो ऑयल के साथ में भी आप कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको दिखाया कि चिपक भी नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि किसी चीज में वो रह गया, चिपक गया। तो अभी हम लोग प्लेटिंग कर सकते हैं।
संजय एक क्वेश्चन और है कि क्या टोमेटो यूज कर सकते हैं इसमें? आप हर वो चीज इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में या बर्तन में? नहीं, रेसिपी में पार्टिसिपेंट्स। हाँ हाँ, सो ये रेसिपी के अंदर मैं चाह रहा था कि व्हाइट ग्रेवी बनाऊं, उसके लिए मैंने इसको ऐसे बनाया। अगर आपको टमेटो बेस बनाना है तो आप सेम चीजें जो मैंने डाली है उसके साथ में टमेटो डाल दीजिए या टमेटो की प्यूरी डाल दीजिए, बट सिर्फ ये शर्त ये है कि उसको कुक होना चाहिए, जो टमेटो है या जो भी है उसको कुक हो जाना चाहिए। तो जैसे मैंने जो पहले वाले इंग्रेडिएंट्स डाले थे उसमें एक टमाटर को चार टुकड़े में काट करके उसको डाल दीजिए एंड उसके बाद में वो भी पक जाएगा। जब ब्लेंड होगा तो सब कुछ ब्लेंड होके आ जाएगा, आपका हल्का पिंकिश कलर आ जाएगा ग्रेवी के अंदर। बट ये नॉर्मली जो नौरतन कोरमा जो होता है उसकी जो ग्रेवी होती है वो व्हाइट कलर की होती है, तो उसके लिए मैंने इसको व्हाइट रखा है। आपको टमाटर डालना है, कोई और मसाले, ब्लैक पेपर डालना है, कोई प्रॉब्लम। जैसे एक क्वेश्चन ये भी है कि ऑर्गेनिक कच्ची हल्दी जब बॉयल हो रही हो वो भी ऐड कर सकते हैं क्या? इनफैक्ट मेरे को वो मिली नहीं आज, एंड कच्ची हल्दी इसके अंदर मैं डालता हूँ, कद्दूकस करके डाल देता हूँ, टुकड़े नहीं डालता हूँ, उसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। उसको कद्दूकस करके डाल देता हूँ वही इंग्रेडिएंट्स के साथ में सबसे पहले, और उसके बाद में उसका एक बड़ा खूबसूरत अरोमा भी है और फ्लेवर भी है कच्ची हल्दी का। अभी मैं इसको प्लेट करके दिखा देता हूँ आपको साथ साथ में, कोई अगर कोई सवाल है तो मैं वो भी लेते रहूंगा आपके सवाल साथ साथ में। ये मैंने एक नॉर्मल प्लेट ले ली है, साथ में एक ये लीफ रख लिया है साइड में। This is just to show. संजय एक बार जो आपने वेजिटेबल्स सारी ऐड करी हैं उनको बता दीजिए एक बार फिर से। जी एक सेकंड बता रहा हूं। इसके अंदर मैंने जो मैंने बाद में वेजिटेबल्स ऐड किया था उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो इनिशियल वेजिटेबल्स है जो वेजिटेबल ऐड की हैं आपने? ऐड किया था उसमें गोभी है, गाजर है, फ्रेंच बीन है, येलो बेल पेपर है, रेड बेल पेपर है और मटर है। आई विल रिपीट इट, गोभी है, गाजर है, रेड बेल पेपर है, येलो बेल पेपर है, मटर है और फ्रेंच बीन्स है। इसके अंदर आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं, इसमें एस्पैरेगस भी डाल सकते हैं, कैबेज डाल सकते हैं। ये ग्रेवी के अंदर आपको जैसे चाहिए आप उसको जो है सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से और लाल लाल करेंगे, ऐड दिस ऑन टॉप। और ये अपना तैयार। दिस इज रेडी। आई डोंट नो हाउ इट इज लुकिंग ऑन स्क्रीन बट यहां मेरे कमरे में तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। Any questions? Any further looking awesome? Okay, Good morning, sir. मैं पूछना चाहता हूँ जब आपने ये blend कर लिया second time में, आपने जब पानी डाला 2 चम्मच, उसी समय आपने बोला था कि इसकी जगह पे ये चीज और डाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, तो वो कौन सी चीजें थी? तो जब मैंने पहली बार पानी डाला था वो पानी था, जो दूसरी बार जब पानी डाला था मैंने बताया था कि इसकी जगह पे आप बीटरूट का जूस यूज कर सकते हो। बीटरूट का जूस यूज करने से ये जो ग्रेवी का कलर है वो व्हाइट से पिंक हो जाएगा। तो एक जब आदमी कलरफुल चीजें देखता है अपने खाने में तो एक एक्साइटमेंट होती है, खाने का दिल करता है एंड आपकी बॉडी जो है उसको वांट करती है, चाहती है कि मैं इसको खाऊं। तो खाना जो है वो पहले आंखों से खाया जाता है, उसके बाद में नाक से सूंघा जाता है, फिर खाया जाता है। तो हमको जिसने भी बनाया उसने बनाया कुछ इस तरीके से कि पहले हम देखते हैं, फिर हम सूंघते हैं, उसके बाद में खाते हैं। तो ये 2 गेट्स है जिसको पार करने के बाद ही आप अपना खाना मुंह में डालते हैं, तो खूबसूरत लगे और खुशबू अच्छी हो और फिर खाएं तो आपके वो बॉडी को लगेगा भी। सो आप इसको कलर करने के लिए इसके अंदर आप पिंक कलर, इसका पिंक हो जाएगा क्योंकि कुछ पार्ट ये व्हाइट है और रेड कलर जब उसमें मिक्स होगा तो पिंक हो जाएगा। तो बीट रूट का जूस भी डाल सकते हैं
और अगर आपको बीटरूट खाना है तो बीटरूट के क्यूब्स काट करके डाल दीजिए, वो ऐसे ही पीक हो जाएगा। सो थैंक यू संजय जी। नाम क्या है? नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिश? प्लीज नाम। हाँ नाम आप रखिए और मुझे बताइए, क्योंकि ये मैंने कल ही सोची थी ये डिश को आप लोगों के लिए, तो So great. आप हमको सोच के बताइएगा। ग्रेट, थैंक यू संजय जी, थैंक यू।